ओवर की थोड़ी बैड लक चल रही है, वो बिश्नोई को दिया, बिश्नोई का पहला ओवर था पावर प्ले के अंदर, इसने डाला और हल्का सा इसने ऐसे फ्लिक किया जो सीधा जो है बॉलर्स के हाथ में ना, फील्डर के हाथ में जो खड़ा हुआ था, सीधा हाथों में कैच। अस्सलाम वालेकुम, तो क्या हाल है आप सबका, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। ओ भाई मुबारक हो सबको, पाकिस्तान जीत गया पाकिस्तान भाई, मुबारकबाद तो बनती है यार, क्या कमाल खेला है मैच, गुड मैच। मैंने पहले अपनी वीडियो में कहा था कि बाबर जो है ना टेस्टिंग कर रहा है सारे प्लेयर्स की, क्या है क्या नहीं, और आज उसने जो प्लान एग्जीक्यूट किए तो भाई जीत गया इंडिया वालों के यार, बस क्या कहें। इंडिया वाले फैन जो है वो लास्ट ओवर से पहले ही जो है ना बाहर जा रहे थे, मैंने मैच के अंदर दिखा रहे थे कैमरामैन, वो पहले बाहर जा रहे थे। तो भाई लेवल जीता है, कमाल बैटिंग की है, आए हाय हाय, जो शादाब खान ने बॉलिंग की है, उसके बाद नवाज ने आगे जो बैटिंग की है, आए अच्छा। बात करते हैं थोड़ी मैच के रिव्यू की। तो भाई टॉस जीता पाकिस्तान ने, जो कि अच्छी बात थी, मैं पहले एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने कहा टॉस आज पाकिस्तान जीतेगा, और एज़ यूजल बॉलिंग की जो भी आज उसने बॉलिंग तो करनी थी। तो भाई आगे जो शुरू हुए हैं ना उनके ओपनर रोहित और राहुल, ओए हो यार, जैसे उन्होंने मारना शुरू किया है ना, जैसे नसीम को उन्होंने धोया है, मैं तो भाई लिटरली ना मैं मैच वहाँ चल रहा था, मैं अपना मोबाइल लगा के निकाल के ना नेटफ्लिक्स लगा के ड्रामा देखने लग गया, मैंने कहा भाई ये इनके बस का नहीं है, आज जो है ये 200 से ऊपर जाएगा टारगेट। तो खैर पावर प्ले में तो उन्होंने बहुत धोया है, बहुत ज़्यादा ही धोया है, राहुल जो है वो भी और रोहित वो भी। राहुल का यार वो एक जो छक्का उसने मारा ना कवर ड्राइव पे, कमाल छक्का था वो, छक्का मैंने देखा है, मैंने उसकी तारीफ भी की है, काफ़ी अच्छा छक्का मारा उसने ना कवर ड्राइव पे, छक्का बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन छक्का बहुत मारा है। बाकी यार पिच बहुत डिफरेंट थी पिछले मैच से, जो पाकिस्तान और इनका हुआ था ना इंडिया का, बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, बॉल बल्ले पर आराम से आ रहा था, सब कुछ हो रहा था, बॉल उसको मुश्किल हो रही थी। उसके बाद भाई शादाब खान आते हैं, शादाब खान आगे थोड़ा रन्स को ब्रेक लगाते हैं, राहुल आउट हो गए, रोहित आउट हो गया, उसके बाद जो है नवाज और ये शादाब, ये दोनों मैच को लेके जाते हैं। तो जिस तरह इनको मोमेंटम मिला था ना इंडिया वालों को पावर प्ले के अंदर, तो भाई वो इन्होंने सही तरह एग्जीक्यूट नहीं किया, नहीं तो बहुत स्कोर लग जाने थे, कसम से बहुत ज़्यादा स्कोर लग जाने थे, और शायद सिचुएशन ये ना होती जिस तरह को वो एग्जीक्यूट कर गए थे। 52 हो गए थे मेरा ख्याल है उनके, पाँचवें ओवर के अंदर उनकी 50 हो गई थी जहाँ तक मुझे है ना, पाँचवें ओवर में उनकी 50 हो गई थी, यानी 10 का रन रेट वो लेके जा रहे थे, लेकिन आगे जाके उनसे स्कोर नहीं बने। तो पाकिस्तानी पेसर्स को तो उन्होंने अच्छा खासा धोया, खासकर नसीम शाह को अच्छी तरह वो पढ़ के आए हुए थे, उसकी प्रैक्टिस करके आए हुए थे, लेकिन जो है शादाब और नवाज उन्होंने अच्छा काम दिखाया, थोड़ी अच्छा स्लो किया है। बाकी यार फखर जमान क्या कहें भाई, ले जाओ यार तुम लोग फखर को ना, फखर दूसरे मैच दूसरी कंट्रीज के लिए खेल रहा होता है, जैसे आज तो इंडिया के लिए खेल रहा था, दो चौके छोड़ दिए, एक तो चलो हाथों में से जा रही है वो, तो चलो बाल इधर लग के इधर होगी, रफ के साथ भी ये हुआ था उसकी भी, क्या कहते हैं उसने भी, उसका तुक्का लग गया था, बॉल यहाँ टिप खाई है, उसके बाद यहाँ थोड़ी मूव हो गई है, लेकिन जो इसने किया, इसने चलो एक छोड़ दिया आप वाले गुड है, तो दूसरा यार कैच आ रहा था बेचारे की, रफ की विकेट तो गई, आठ रन जो है वो एम ही दे दिए। बाकी कोहली जो है वो किंग तो किंग ही होता है हमेशा जो है, बाबर भी है कोहली भी है, लेकिन कोहली जो है वापस आ गया, और मेरा ख्याल है कोहली ने कुछ ट्रांसफ़र किया है ना बाबर आजम को, या कोई USB वायरस था या क्या था, हाथ मिलाया ना, हैंडशेक किया है तो ट्रांसफ़र हो गया, तो अब कोहली की जो फॉर्म थी वो बाबर के पास चली गई है, वो अभी उसका रन नहीं बना रहा, और कोहली जो है वो दोबारा फॉर्म में आ गया, चल झूठा। तो खैर यार उसके एंड में से छक्के नहीं लग रहे थे, आखिरी ओवर हारिस ने बहुत अच्छा किया था, वेल एंड गुड, अच्छा एग्जीक्यूट कर लिया था, और दूसरे एंड पे खड़ा भी भुवनेश्वर कुमार था, भूई खड़ा हुआ था, तो उससे जो है इतने जो है रन लगने भी नहीं थे, और वो स्ट्राइक भी नहीं दे रहा चाह रहा था कोहली ना, वो तो कोहली रन आउट हो गया, और आखिर में 8 रन लग गए। अब जब वो 8 रन लगे ना, मुझे कहीं ना कहीं डाउट हो रहा था, मैंने कहा यार एंड के अंदर ये 8 रन जो है ना हमें बहुत दुखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एंड मैच तक ना मुझे लग रहा था, मैंने कहा 8 रन बहुत दुखेंगे।
खैर फिर पाकिस्तानी आए हैं बैटिंग करने के लिए, पहली बॉल पे जो है रिजवान साहब ने चौका लगाया। यार रिजवान क्या फॉर्म है इसकी, मैं दिल से उसे ना सलाम करता हूँ उसे। जैसे वो उसने हसनैन ने बाउंसर मारा था, जैसे वो गिरा उसके घुटने पे लगा उसको जो है इंजरी का, मुझे लग रहा था मैंने कहा भाई कोई और इंजरी ना हो जाए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और कि हमारे पास विकर कीपर भी नहीं है, अच्छा बैट्समैन इसके लिए जैसा कोई नहीं है अपने पास ना इस वक्त तो। लेकिन जैसे उसने खेला है सही में वो फाइटर है ना, सही में वो उसे लगन है खेलने की। तो भाई उसने बनाए हैं 71 स्कोर उसने बनाए हैं। उसके बाद यार बाबर की थोड़ी बैड लक चल रही है, वो बिश्नोई को दिया, बिश्नोई का पहला ओवर था पावर प्ले के अंदर इसने डाला और हल्का सा इसने ऐसे फ्लिक किया और जो सीधा जो है बॉलर उसके हाथ में ना फील्डर के हाथ में जो खड़ा हुआ था सीधा हाथों में कैच। खैर उसके बाद फ़खर आया है, मुझे लगा मुझे था मैंने कहा यार चलो इसने कैच छोड़े हैं तो अभी आके ना मार लेगा। तो खैर यार चहल की बॉलों पर वो आउट हुआ है, वो चहल के पूरे ओवर में ना हिट करने की ट्राई कर रहा था, उसे नहीं लग रही थी शायद उसे बॉल इतनी बल्ले पे नहीं दे रहा था वो या क्या था क्या नहीं था। खैर एक उसने चौका मार दिया, वो भी ख़राब गेंद थी इस पर उसने चौका मार दिया, चलो एक चौका लग गया ओवर के अंदर उसके अगली बॉल पे तो हिट ना कर, अगली बॉल पे भी उसने हिट किया, खैर वो आउट हो गया। उसके बाद भी नवाज़ ओए हो ये पहला नवाज है जिसे ना पूरी पूरा मुल्क जो है ना प्यार कर रहा है, लेकिन दूसरे का तो फिर आपको पता ही है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो भाई तैयारी ये करके आए हुए थे खुश दिल की आसिफ की, सिलेबस पेपर में आ गया नवाज। मुझे अपने घर जाना है। ओए ओए जो उसने आगे हिटिंग की है यार, नवाज को ऊपर भेजने का फैसला जो है ना वाकई अच्छा था, क्योंकि लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहे थे और ये लेफ्ट हैंडर जो है ना ये अच्छा ना खेल लेता है, और उस साइड वाली थोड़ी बाउंड्री भी शॉर्ट थी। तो देखा जाए तो असल मैच ना आके नवाज नहीं बनाया है, कमाल मैच बनाया है उसने। मिरेकल 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 छक्के जा रहे हैं, ये जा रहे हैं वो जा रहे हैं, ओए होए शहजादा था पहले नवाज को ना, ये पहला नवाज है जैसे ना जब भी डालने का दिल करता है वो तो शुक्रिया कहने का दिल करता है। अबे साले बाकी यार ओवरऑल फिर अच्छा परफॉर्म किया है। बाकी फिर जब नवाज आउट हुआ है और फिर रिजवान आउट हुआ है, उसके बाद जब दो ओवर के अंदर 26 स्कोर रह गए थे मैंने कहा भाई अब मैच फंस रहा है, लेकिन फिर आसिफ अली जो आया हुआ था पावर हिटर था जो हमारे 150 छक्के मारता है रोज के तो उसने आगे एक छक्का लगाया है। उसके बाद जो है उस ओवर के अंदर भुवेश्वर भूवी के ओवर के अंदर अच्छे रन लग गए हैं, मैं उस वक्त भी यही कह रहा था मैंने कहा यार 10 रन ये लेके ना जाए लास्ट ओवर में, 10 रन बहुत मुश्किल होने लास्ट ओवर में ना जितना प्रेशर गेम बन जाती है ना, लेकिन फिर वही अच्छा वहाँ पे ना ओवर मिल गया। उसके बाद फिर आखिरी ओवर था अशनदीप का उस सिंह का, तो यार उसने कैच भी पिछड़ने छोड़ दिया है यार, मैन ऑफ द मैच जिस कैच उसने कैच भी छोड़ दिया लड़के ने, तो मैन ऑफ द मैच तो उसे मिलना चाहिए। बाकी है यार कोई जान के तो कैच नहीं छोड़ता उसको, अब राहिल ट्रोल किया जा रहा है तो ट्रोल उसे किसी को भी नहीं करना चाहिए, कोई जानबूझ कर तो कैच नहीं छोड़ता ना कि मैं जानबूझ के मैच छोड़ दूँ। बाकी ये अगर कैच हो जाता तो सिचुएशन शायद डिफरेंट होती, मैं आज यहाँ पे आगे कुछ और कह रहा होता। बाकी खैर उसने आखिरी ओवर अच्छा किया है, आसिफ को जो है उसने पैड पे मारी आउट किया, यॉर्कर बुलेट का अच्छे कर रहा था। बाकी जो है उसके बाद फिर चाचा इफ्तिखार आ गया है खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। ओ सॉरी इफ्तिखार अहमद आ गए हैं, उन्होंने आके जी मैं यार उनसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था यार भाई 2 रन रह गए हैं किसी तरह मार दें, मुझे यही था मैं कहा यार सुपर ओवर में ना चला जाए, सुपर ओवर में चला गया ना फंस जाएंगे, बहुत गंदा फंसना था सुपर ओवर में। लेकिन खैर उसने कुछ सेंसिबल खेल लिया और उसने जो है स्ट्रोक ले गए और 2 रन बना लिए हैं। तो भाई इंडिया से हम मैच जीत गए हैं, अब हम फाइनल के क्लोज चले गए हैं, अब इंडिया के लिए गेम बन गई है नॉकआउट, अगर इंडिया कोई और मैच भी हारा तो टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है, और पाकिस्तान के पास अभी भी चांस है, लेकिन हम कोई हारना अफोर्ड नहीं कर सकते, हम जैसे हमारा मोमेंटम बना हुआ है जैसे टीम सारी चल रही है हमें ऐसे ही चलना चाहिए और काफ़ी अच्छा करना चाहिए। बाकी यार दुआओं से होता है जो भी होता है, जितनी दुआएँ कर दी थी ना बस बहुत था,
तो भाई जीत गया पाकिस्तान और इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेंगे, एशिया कप भी हम जीतेंगे। और मुझे लग रहा है ना एशिया कप फाइनल के अंदर दोबारा हमारा पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, और हमारा पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा ना तो भाई बहुत लेवल फाइनल होना है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो यार ये था आज का मैच रिव्यू पाकिस्तान और इंडिया का। मैं रात काफ़ी देर से सोया हूँ, तकरीबन 1:30 बजे में सोया हूँ। बाकी पहले मैच देख रहा था, फिर थोड़ा काम वगैरह करना था वो किया, तो इसलिए थोड़ा लेट जो है ये मैं रिव्यू बना रहा हूँ। बाकी यार जीत गया पाकिस्तान, मैं कहूँगा मिठाइयाँ बांधो, ढोल निकाल लो, भंगड़े डालते हैं भंगड़े डालो, ओ लेवल जीत गया ना, वो भी इंडिया से, आए आए मज़ा आ गया, इतने रन चेस कर गया लेवल। तो यार फिर आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।